वाह, कटहल के कोफ्ते दिख रहे हैं ना, लाजवाब। चाहे खाइए आप रोटी के साथ या चावल के साथ, इसका स्वाद देने वाली है सारे सब्जियों को मात। ये सब्जी बनाऊंगी मैं बिना प्याज लहसुन के। चलिए शुरू करते हैं। बड़े बड़े पीसेस में काट के रख लेंगे आलू और कटहल। इसको अच्छे से कर लेंगे हम वॉश और लगा देंगे दो सीटी। ज़रा सी यहाँ पे पानी डाल के मैं डालूँगी इसमें नमक और हल्दी। इसके बाद दो सीटी लगाने के लिए यहाँ पे हम गैस में रख लेंगे। कर लेते हैं मसाले की तैयार। मसाले में कुछ नहीं डालना है, सिर्फ चार टमाटर को हमें पीस कर रख लेना है। और यहाँ पे एक जार ले रही हूँ, दो बड़े चम्मच बेसन ले रही हूँ। जितना हमने बेसन ले रखा है उसका आधा ले लेंगे कॉर्नफ्लोर। उसके बाद यहाँ पे मैं नमक और ज़रा सी हल्दी डाल दूँगी। पानी डाल के इसको एक पेस्ट बना लूँगी। इसके बाद हम जो पके हुए कटहल थे ना, एक एक इसमें मिला लेंगे और कर लेंगे उसको फ्राई। कटहल पके हुए हैं तो हम उसको आराम से इसके साथ मिलाएंगे ताकि वो ना बिल्कुल मिल ना जाए, मिक्स ना हो जाए, टूट ना जाए। कर लेते हैं पैन को गरम। यहाँ पे देखिए मैं चेक कर रही हूँ कि गरम हो गया या नहीं। उसके बाद में एक एक कटहल को दूर दूर करके धीरे धीरे से पैन के ऊपर रखते जाऊँगी। ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करनी है क्योंकि कटहल तो ऑलरेडी अच्छे से पक चुकी है। हमें बस इसको इस तरह से पलट पलट के कलर थोड़ा सा ब्राउन आने तक कर लेनी है फ्राई। यहाँ पे मैं एक एक करके पूरे कटहल को कर लूँगी अच्छे से फ्राई। ये देखिए कलर दिख रही है ना, कितनी सुनहरी और बहुत ही सुंदर। ये जो फ्राई होने के बाद आप उसको ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत ही यम्मी थी सच में। मेरी बच्ची ने तो इसमें ही दो चार पीस खा लिए उसने, क्योंकि ये भी एकदम से रेडी हो चुकी है। बस चाट मसाला थोड़ा डाल के आप इसको ऐसे ही खा सकते हैं। चलिए ग्रेवी की प्रोसेस शुरू कर लेते हैं। सारे कटहल को इस तरह से फ्राई करके मैं एक एक करके एक जगह में निकाल के ये देखिए रख चुकी हूँ। दिख रही है ना कितना प्यारा और एकदम टेस्टी। चलिए इस तरह से इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और ग्रेवी की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। फिर से पैन को गरम करके यहाँ पे मैं थोड़ा सी सौंफ डाल रही हूँ, दो सूखी मिर्च डाल दूँगी, हींग जरा सी डाल दी और मैंने रखे हुए टमाटर की जो पेस्ट थे ना, बड़े बड़े चार टमाटर मैंने लिए थे, उसको मैं अच्छे से पकाऊंगी। यहाँ पे टमाटर को पकाना है हमको लगभग 10 मिनट तक, जब तक ऑयल अच्छे से ना छूटे उसमें। ये देखिए आपको दिख रही है ना, जैसे कि ऑयल बिल्कुल बाहर निकल के आ रही है। इस तरह से हमको टमाटर को पकाना है, बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। जितने टाइम तक आप टमाटर को पकाएंगे टेस्ट भी वैसे ही अच्छी आएगी। नमक हल्दी और यहाँ पर मैं ज़रा सी धनिया पाउडर डाल रही हूँ और यहाँ पर सब्जी मसाला आपके पास जो भी हो आप डाल देना। और उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, फिर से पकने देंगे जैसे कि ऑयल ना छूटे। ये देख पा रहे होंगे आप, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, देखिए आप ना इसे ऑयल आने तक ना इसको पकाएंगे। वहाँ पे मैं गरम पानी रखी थी, जो बीच बीच में मुझे लग रहा था कि मसाले थोड़े से लग रहे हैं नीचे, लग जा रहे हैं जलने की डर से, मैं ज़रा ज़रा सी पानी उसको देते जाऊँगी। और फिर जब मसाले एकदम पक जाए हम एक एक करके कटहल उसमें ऐड कर लेंगे। जब हमने सारे कटहल को ऐड कर लिए उसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। आप चाहे तो ग्रेवी में ज़रा से पानी दे के थोड़ा सा ग्रेवी भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैं रोटी के साथ खाने वाली थी तो उसको नॉर्मल ही रखने दिया। उसके बाद यहाँ पे गरम मसाला पाउडर जो घर में बना के रखे थे मैंने लास्ट में उसको ऐड कर लिए और ग्रेवी एकदम बनकर तैयार। थैंक यू।